है ना। आज संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे परिशिष्ट टू अव्यय प्रयोग, है ना, पेज नंबर 102। आप सभी है ना पेज नंबर 102 ओपन करिए, है ना, और मेरे साथ जो है आप लोग समझिए, है ना। जैसे जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना बुक निकाल करके उसमें जो है ना उंगली रखिए जो पढ़ रहा हूँ उस सेंटेंस पर, और समझिए। ओके, तो चलिए चलते हैं परिशिष्ट टू अव्यय प्रयोग। ठीक है, ओपन कर लिए, गुड। जो शब्द अव्यय, सबसे पहले अव्यय की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द लिंग विभक्ति वचन के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। ये शब्द प्रायः स्थान बोधक, काल बोधक तथा प्रश्न बोधक होते हैं, है ना। क्या कहा गया है, जो शब्द लिंग विभक्ति के अनुसार नहीं बदलते उन्हें तो अव्यय कहते हैं, लेकिन ये प्रायः कौन से शब्द होते हैं, तो स्थान बोधक जो स्थान का बोध कराए, काल बोधक जो समय का बोध कराए तथा प्रश्न बोधक जो प्रश्न का बोध कराते हैं। क्या है ना, समझ में आ गया कि अव्यय क्या होते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझ जाते हैं कि अव्यय क्या होते हैं। चलिए देखते हैं, बालका उद्याने इतस्ततः क्रीडंती। इतस्ततः मीन्स क्या होता है, इधर उधर, है ना। तो सेंटेंस दिया है, बालका उद्याने इतस्ततः क्रीडंती, बालक है ना, बालका बहुवचन दिया है यहाँ पर, अनेक बालक उद्याने बगीचे में उद्यान में इतस्ततः इधर उधर क्रीडंती खेलते हैं। इतस्ततः क्या है बच्चों, यहाँ पर अव्यय। सायंकाले उल्लूका इतस्ततः आनंदेन भ्रमन्ति, शाम के समय उल्लू इधर उधर आनंद से घूमते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, है ना, इतस्ततः में कोई चेंजेस हुआ है क्या, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो अव्यय है। और साथ ही साथ क्या बोध करा रहे हैं यहाँ पर, बालका उद्याने इतस्ततः क्रीडन्ति, इधर उधर मीन्स स्थान का बोधक, सायंकाले उल्लूका इतस्ततः आनंदेन भ्रमन्ति, है ना, ये भी क्या आप किसका बोध करा रहे हैं, शाम के समय, है ना, जो समय का बोध करा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं और उदाहरण की ओर। ऊपरी वृक्षस्य ऊपरी चटकाह कुजंती, वृक्ष के ऊपर चटकाह चिड़िया चहचहाती हैं, है ना। मुखस्य ऊपरी नेत्रे स्तः, मुख के ऊपर, है ना, मुख के ऊपर दो नेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर भी किसका बोध करा रहा है, वृक्ष के ऊपर स्थान का बोध कराए, चाहे चिड़िया चहचहाती हैं। मुखस्य ऊपरी नेत्रे स्तः, मुख के ऊपर दो नेत्र हैं, यहाँ पर भी क्या है, स्थान, यहाँ पर भी स्थान का बोध करा रहे हैं कि ऊपर, मुख के ऊपर। तो इस संदर्भ में कौन से, किसका प्रयोग हुआ है, ऊपरी अव्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चैः। उच्चैः क्या है, अव्यय है। उच्चैः मीन्स जोर से, जना उच्चैः हसन्ति, है ना, लोग जोर से हंसते हैं। उच्चैः मावत, जोर से मत बोलो, यहाँ पर भी किसके संदर्भ में हुआ है, जना उच्चैः हसन्ति, लोग जोर से हंसते हैं। उच्चैः मावत, जोर से नहीं बोलना चाहिए, मत बोलो, माँ के संदर्भ में, नहीं के संदर्भ में उच्चैः का यूज हुआ है। उच्चैः में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि यह किसका बोध करा रहे हैं, यह क्या है, अव्यय है, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या है कि उच्चैः अव्यय का प्रयोग हुआ है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, चाहे वो बहुवचन हो, जनाः बहुवचन में है, और मावत, उच्चैः मावत, जोर से मत बोलो, किसी एक को भी कह रहे हैं तब भी उसमें परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो है यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे परिभाषा में आप लोगों को, है ना, इसमें बुक में जो लिखा हुआ है परिभाषा, उसके अनुसार भी मैं आप लोगों को बताया था कि लिंग विभक्ति वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होते, तो ये इस एग्जाम्पल से हमको समझ में आ रहा है। तुष्णिम, अहम तुष्णिम पठामी, मैं चुपचाप पढ़ता हूँ। पुस्तकालय बालकाः तुष्णिम तिष्ठन्ति, पुस्तकालय में, है ना, पुस्तकालय
में बच्चे या बालक चुपचाप बैठते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी तुष्णिम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अहम के लिए भी, एकवचन के लिए भी और बाल का बहुवचन के लिए भी वही चुपचाप के लिए तुष्णिम का प्रयोग हुआ है, अव्यय है तुष्णिम, है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे शनै शनै। शनै शनै मीन धीरे धीरे, वृद्धा दंडेन शनै शनै चलती, बूढ़ा डंडे के सहारे, है ना, क्या चलते हैं, डंडे लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता है। कछपा शनै शनै चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट है बही, बाहर के संदर्भ में, बही मीन्स बाहर होता है, तापसह आश्रमात बही आगच्छति, आगच्छ धातु है यहाँ पर, तो तापसा आश्रमात तपस्वी आश्रम से, है ना, बाहर आता है, बही बाहर आता है। कक्षाया बही छात्रा तिष्ठति, कक्षा के बाहर छात्र बैठते हैं। कक्षाया बही छात्रा तिष्ठति, कक्षा के बाहर छात्र बैठते हैं। नेक्स्ट वार्तालाप देख लेते हैं, बातचीत। रमेश हे सुरेश तुम कुत्र गच्छसी, हे सुरेश तुम कहाँ जाते हो, है ना। तो कहते हैं सुरेश, हे रमेश यत्र लता गच्छति, यत्र मीन्स क्या होता है, जहाँ, है ना, यत्र जहाँ, जहाँ लता जाती हैं, अहम अपि तत्र गच्छामि, मैं भी वहाँ जाता हूँ, सुरेश कहता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जितने ब्लैक कलर का है, जितने यहाँ पर कुत्र, यत्र, तत्र, ये सब क्या है, अपि, यही क्या है, अव्यय है, जो चेंज परिवर्तन नहीं हो रहा है। लता हे सुरेश तुम कदा पठसी, हे सुरेश तुम कब पढ़ते हो, तो सुरेश कहता है, हे लते, हे लता अहम प्रातः पठामी, मैं सुबह पढ़ता हूँ। यहाँ पर कदा और प्रातः अव्यय है। लता हे रमेश किम त्वम उद्यानम गच्छसी, क्या तुम उद्यान जाते हो। रमेश हे लते, हे लता अहम तु प्रतिदिनम उद्यानम गच्छामि, मैं तो प्रतिदिन हर रोज उद्यान जाता हूँ। अहम तु प्रतिदिनम, मैं तो रोज उद्यान जाता हूँ। मम जनका अपि उद्यानम गच्छति, मेरे पिताजी भी उद्यान जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, काले कलर में मोटे अक्षरों में, जैसे कुत्र, यत्र, अपि, तत्र, कदा, प्रातः, है ना, प्रतिदिनम, अपि, ये सब क्या है, अव्यय हैं, है ना। श्लोक देख लेते हैं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानम समर्थस्य, वृथा दीपो दिने तथा, है ना। यहाँ पर जो वृथा 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 है, तथा है, ये सब क्या है, अव्यय हैं। इसका मीनिंग देख लेते हैं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, है ना, समुद्र में वृष्टि मीन्स वर्षा क्या है, समुद्र के लिए वर्षा बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, है ना, पेट भरे व्यक्ति के लिए भोजन बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य, और जो समर्थवान है उसे दान देना बेकार है। उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से, वृथा दीपो दिने, दिन में दीपक का प्रकाश करना बेकार है, है ना। तो बच्चे आप लोग, है ना, बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि अव्यय का प्रयोग कैसे करते हैं, अव्यय क्या होते हैं, जो है लिंग विभक्ति वचन के अनुसार परिवर्तन जिसमें नहीं होते, है ना, हमेशा एक ही रूप में प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ओके।